गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एन अनऑफिशियल आंसर की ऑफ द पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ उत्तराखंड लेक्चरर विच वाज हेल्ड यस्टरडे, वी कैन से 29th ऑफ अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, ये आंसर की मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, अनऑफिशियल आंसर की है फ्रेंड्स। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कल थोड़ा सा व्यस्तता थी तो समय नहीं मिल पाया, तो आज जैसे समय मिला तो मैंने कोशिश की यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द 100 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमिताभ घोष आईवीएस ट्रिलोलॉजी। आईवीएस ट्रिलोलॉजी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बताया था, इसमें जो तीन इनके जो वर्क्स हैं उसमें सी ऑफ पॉपीज, रिवर्स ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। सी ऑफ पॉपीज, फ्लड ऑफ फायर और रिवर्स ऑफ स्मोक, ये तीन वर्क इनके हैं, तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द हंग्री टाइड, इसमें नहीं है आईवीएस ट्रिलोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन विच प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ डू वी हैव द कैरेक्टर एलिजा डूलिटिल, कौन से प्ले में हमें ये कैरेक्टर मिलती हैं। तो ये बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है पिग्मेलियन करके है, जिसके लिए इनको ऑस्कर प्राइज भी मिला था। ठीक है फ्रेंड, पिग्मेलियन 1913 करके, अब ये जो इनका पिग्मेलियन जो प्ले है इसमें एलिजा वेट डूलिटिल जो है कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, इसी का जो म्यूजिकल बाद में एडेप्टेशन था माय फेयर लेडी करके 1956 में, आपको पता होगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एलिजाबेथन जो क्रॉनिकल प्लेज हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री प्लेज कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री प्लेज कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा पार्ट फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वाला मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, तो इफ वाला जो पोर्शन बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आप बनाएंगे, और दूसरा जो पोर्शन आपका रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, विल बी अलाउड, ये तो पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है। ठीक है, तो पहला वाला इफ यू विल ईट योर फूड, तो ये वाला पोर्शन इसमें नॉट करेक्ट, ये जो आ जाएगा हमारा इफ यू विल ईट, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। इफ यू ईट होता है यहाँ पे, क्या होता है, इफ यू ईट योर फूड यू विल बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट, अगर आप अपना खाना खाते हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए, पैसिव वॉइस है, सेकंड जो पार्ट इसका बना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो फॉलोइंग सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए कह रहा है। एज वेल एज में क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये जॉइंट वर्ड होते हैं, जब जॉइंट करने का काम करते हैं, तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो टीचर यहाँ पे आप देखिए, टीचर के अकॉर्डिंग लगेगी तो क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है एज वेल एज अलॉन्ग विद, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर इधर, और इनमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ये हमने बता भी रखा है। फ्रेंड्स पुरानी वीडियोस में जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मोस्टली वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को वॉच किया होगा उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे, ही सेड दैट ही विल, देखिए सेड आ रहा है तो विल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाले केस में है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब जाके ही आपका, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह होते हैं तब जाके आपका वो चेंज नहीं होता है, जो डिपोर्टेड स्पीच वाला हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वीडियोज में ही बता रखा था। ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही टोल्ड दैट, ये वाला तो होगा नहीं, देखो टोल्ड के बाद भी विल आ रहा है, तो ये पहला भी नहीं है, फर्स्ट भी गलत, थर्ड भी गलत, ही टेल्स अस दैट, ये आपका नहीं, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ये पास्ट में है तो विल का पास्ट भी वुड हो जाता है यहाँ पे। ठीक, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू साइन ऑफ अ लेटर, तो ये लास्ट ईयर भी आया था, तो योर्स सिंसियरली हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच वॉज अरविंद अडिगा डिड वाइट टाइगर अवार्ड इन मानकर, तो 2008 में मिला था अरविंद अडिगा के इस वर्क के लिए। हु रोट द नोवल रूम विद अ व्यू, लिखा था हमारे एम फॉस्टर साहब ने, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने लिखा था इस वर्क को, कब लिखा था 1908, ये पब्लिकेशन में आपको ईयर मिलेगा इसका 1908। ठीक, नेक्स्ट मोनू कैरेक्टर किसमें है, मुल्क राज आनंद का नोवेल है उसमें ये है मोनू। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बर्नार्ड शॉ फर्स्ट प्ले, बर्नार्ड शॉ का पहला प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है करके। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताऊँ, आर्म्स एंड मैन जो है 1894 में आ रखा है, तो आप ही बताइएगा इसके बाद फिर, ठीक है। यू नेवर कैन टेल सॉरी 96 में आ रखा है। बच्चा विडोअर्स हाउसेज, तो ये आ रखा है फ्रेंड्स विडोअर्स हाउसेज आ रखा है 92 में, और डेविल्स डिसिप्लिन करके आ रखा है 1896 में। तो 1894 1896 92 विडोअर्स हाउसेज करेक्ट हो जाएगा, ये पहले आ रखा है। ये अनप्लीजेंट प्लेज जो थे उसमें था, ये जो अनप्लीजेंट प्लेज थे उसमें था विडोअर्स हाउसेज करके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाहेगा। इन विच ईयर डिड रस्किन बॉन्ड रिसीव द साहित्य अकेडमी, 1992 में ये साहित्य अकेडमी में रखा है। हमने साहित्य अकेडमी की लिस्ट में भी डिस्कस किया था, रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे उसमें भी ये डिस्कस किया था। अ बैलेट स्टेंजा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, बैलेट जो है क्वार्टरन का होता है, फोर लाइन्स का स्टेंजा होता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, हु सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन एमरस पोएम्स, तो ये ड्राइडन साहब है हमारे, जॉन ड्राइडन ने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स करके। कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन, ये इन्होंने भी करेक्ट कर रखा है जिनका क्वेश्चन पेपर है। ओमनीसेंट इज वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हु नोज सी एवरीथिंग, ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ओमनीसेंट का मतलब होता है जो क्या करता है, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसके लिए बोला जाता है। तो ये हो जाएगा नोज एंड सी एवरीथिंग, यहाँ पे हमें इसी ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। व्हाट डज द फ्रेज हार्ड एंड फास्ट मीन्स, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड या अल्टर्ड या मॉडिफाइड, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, रिमूविंग टू को हटाना है, तो दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की ओर इशारा करते हैं, तो यहाँ पे दी न्यूज़ इज़ वेरी गुड एंड ट्रू, ये नहीं हो सकता, दी न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स। दी न्यूज़ सो और दैट का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, जो कि एलटी में भी आया था, एलटी के एग्जाम में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो ही सेड टू मी, सेड टू मी को आप चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो टोल्ड ऑप्शन कौन सा वाला आपको मिल रहा है, अब देखिए इसके बाद आई डोंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। हु सैड यस ओ डियर यस द नोवल टेल्स द स्टोरी, ये हमारे ई एम फॉस्टर साहब ने कहा था, किसने कहा था, ई एम फॉस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो है, इन हिज पोएम टिंटन हैवे विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर द नेम ऑफ हिज सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ करके था, टिंटन हैवे वाला हमने डिस्कस किया था, उसमें जो पहली बार जाते हैं ये उस रिवर के किनारे वाई रिवर के, फिर दोबारा जब जाते हैं तो इनकी सिस्टर के साथ ही जाते हैं डोरथी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड बाय आर्के नारायण गाइड, गाइड में जो है राजू मार्को और वासु तो हैं, तो वेलन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी इज नॉट रिटन बाय शशि देशपांडे, शशि देशपांडे ने कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखी है, दी कास्टवे नहीं लिखी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है कास्टवे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टरल एलजी, पेस्टरल एलजी कौन सी नहीं है, एडोनिस हैस, ये एडोनिस सैली ने लिखी है किड्स की डेथ पे, थायरिसिस आपको पता है मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है, लिसिडेस मिल्टन ने लिखी है, तो ये तीनों पेस्टरल हैं, तो पेस्टरल एलजी जो नहीं है इन मेमोरियम नहीं है, जो कि टेनिसन ने लिखी है, ठीक है, किसकी डेथ पे लिखी है, AHH अर्थात हेनरी हेलम की। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद ओड, ओड के साथ एसोसिएट नहीं होता है, तो इसमें जो ये इन्होंने करेक्ट टिक कर रखा है, ये करेक्ट है, लैमेंट्स द डेथ ऑफ समवन, तो ये किस पे होता है, ये एलिजी में होता है, ठीक है फ्रेंड, एड्रेस होता है इसमें, लिरिकल भी होती है और ये सीरियस एंड एलिवेटेड स्टाइल भी इसमें होता है, ठीक, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नियरेस्ट वर्ड क्यूट का साइट होता है, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्यूज, एक्यूज का सिनोनिम नहीं होता है, तो डिफेंड करना यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, एक्यूज का सिनोनिम नहीं होता करके पूछा है यहाँ पे, तो डिफेंड इज करेक्ट आंसर। दी फ्रेज टू फिट टू फूट दी विल मीन्स होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ का क्या करना, टू पे दी विल करके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू पे दी विल करके होता है फ्रेंड्स, टू पे फॉर समथिंग ऐसे करके इसका होता है, तो पे दी विल हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, यहाँ तक तो सही है, अब ये शिमला की कंपैरिजन कानपुर से नहीं हो रही है, क्लाइमेट की हो रही है, तो द बेटर देन दैट
दैट ऑफ ऐसे केस बनता है या ऐसे बनेगा द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ कानपुर करके होगा, तो ये इनकरेक्ट पहला वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट ऑफ कानपुर ऐसे करके आपने ये फॉर्मेशन पढ़ा होगा इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच होम माय चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, माय चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग तो कौन सा टेंस है, विल बी प्लेइंग, विल बी के साथ आएंगे फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में सेल्फ इस टाइप से होता है, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव वाले वो होते हैं माई सेल्फ हर सेल्फ इस टाइप से, तो आप इसमें करेक्ट आंसर देख लीजिए, सेल्फ वाला आंसर दे रखा है इसमें, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अगर यहाँ पे हमें इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव होता तब जाके हमें सोचने में टाइम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक ही हमारे पास ऑप्शन है तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से उसमें है, ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने के लिए हु और होम से क्वेश्चन करना पड़ता है, जो कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय फाइंड करते हैं कौन सी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं बनती है, तो इंट्रांजिटिव में आपका देखिए गो आती है, ठीक है, डाई, स्लीप, स्लीप, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपका किल, देखो द मैन किल्ड अ स्नेक, द मैन किल्ड अ स्नेक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए हु किल्ड अ स्नेक आंसर मिल रहा है द मैन, मैंने हु और हुम का आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय हैरल्ड पिंटर, हैरल्ड पिंटर के द्वारा नहीं लिखा गया है, बर्थडे पार्टी लिखा है, केयर टेकर भी लिखा है, होम कमिंग भी लिखा है, तो कॉकटेल पार्टी ये जो है टी एस एलियट का है। द प्ले वेयर देयर इज विल ये महेश दत्तानी जी का है, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टी एस एलियट इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ फिशर किंग, तो यहाँ पे हॉलो मैन फ्रेंड्स ये द वेस्टलैंड है, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सर्च ऑफ होली ग्रिल उसमें निकलते हैं ये, आप इसके बारे में देखना, इसमें मिल जाएगा आपको इन सर्च ऑफ होली ग्रिल फिशर किंग जो होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 36, फिगर ऑफ स्पीच बताना है इसमें जॉन कीट्स का, विद वीडेड बबल वीकिंग एट द बीम, तो यहाँ पे डब्ल्यू वी बी डब्ल्यू यानी कि वी बी की जो वी लेटर है ये बार बार आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे करेक्ट होगा। विलियम हेजलेट द फेमस असिस्ट कंट्रीब्यूटेड लार्जली, तो कौन सी मैगजीन में इन्होंने किया था, एडिनबर्ग रिव्यू करके हमने डिस्कस भी किया था, इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, कंट्रीब्यूशन इन्होंने स्टार्टिंग से दिया था 1814 से टिल हिज डेथ, इनकी डेथ तक इन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया था एडिनबर्ग रिव्यू को, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड स्वेलेड एंड च्यूड, ये हमारे फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा था ऑफ स्टडीज में, तो फ्रांसिस बेकन का ही कोटेशन है, सम बुक्स आर स्वेलेड टेस्टेड एंड च्यूड एंड डाइजेस्टेड करके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिकल फॉर्म्स अराइजेस आउट ऑफ फोक लिटरेचर, तो फोक लिटरेचर का जो है ये बैलेड से ही, यानी कि जो फोक लिटरेचर से जो अराइज होता है वो यानी कौन सी फॉर्म है, कहने का मतलब बैलेड लोक गाथा या लोकगीत बोलते हैं जिसको। बर्नार्ड शॉ का जो आर्म्स एंड द मैन है ये क्या है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ये आपको पता है 1894 में जो पब्लिश हुई थी, मैंने बताया था अभी। इन विच प्ले ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड वाटर हैज़ बीन यूज इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, वाटर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, वाटर द प्लांट यहाँ पे प्लांट्स को पानी देने की बात हो रही है, ब्रिंग सम वाटर ये देखो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर ये भी नहीं है, यहाँ पे सेफ जो है एडजेक्टिव है, तो एनिमल को वाटर देना है, तो फिश इज अ वाटर एनिमल, फिश क्या है वाटर एनिमल है, जो फिश है वो कैसा एनिमल है, वाटर एनिमल है, वाटर में रहने वाला है, यानी कि एनिमल कैसे है वाटर में रहने वाला, तो एडजेक्टिव ही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, एडजेक्टिव इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड फाउंड इन 1848, ये आपको पता है। नेक्स्ट, बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड, ये साउंड ऑफ वॉइस, इसमें टू हुम द एक्सप्रेशन वेनिस्ड हैंड ऑफ वॉइस का देखा है, तो ये आर्थर हेनरी हेलम के लिए रेफर किया गया है, जो एक्सप्रेशन है ये ब्रेक 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 करके है टेनिसन की पोएम, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से ही। द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड, तो VGFD करा दो, मैंने बताया था VGFD FDW, ये उसमें भी बताया था, तो F यानी कि फायर सर्मन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, फायर सर्मन ही लॉन्गेस्ट वो भी था इसमें, ठीक है, पार्ट शॉर्टेस्ट पार्ट डेथ बाय वाटर करके हमने बताया था।
सरोजिनी नायडू जो पोएम इंडियन वीवर्स रिप्रेजेंट थ्री स्टेजेस रिप्रेजेंट करती हैं, कौन कौन सी थ्री स्टेजेस हैं फ्रेंड्स? वो बर्थ, मैरिज एंड डेथ, बर्थ, मैरिज एंड डेथ। कमला दास वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोइट एज वेल एज लीडिंग राइटर ऑफ मलयालम, मलयालम में इन्होंने एंते कथा करके लिखा था, एंते कथा जो कि 1973 आपको उसकी डेट याद होगी 1973 जो कि बाद में इंग्लिश में जो ट्रांसलेट की गई थी और बाद में पब्लिश होती थी 1975 में माई स्टोरी करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन का वर्क नहीं है। एटलांटिस है, ये देखिए ये भी है, इंस्ट रेशियो करके भी है, नोवम ऑर्गेनम तो है ही, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ये जो इन्होंने टिक किया है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक नहीं है। हमने बायोग्राफी डिस्कस की थी, ये तो इनका वर्क है ट्रांसेंडेंस वाला, इग्नाइट माइंड्स भी है, इंडिया 2020 भी है, तो डी ऑप्शन इंडियन कल्चर हेरिटेज ये करेक्ट हो जाएगा, इनका वर्क नहीं है, इनकी बुक नहीं है। इन दिस बुक वर्जीनिया वुल्फ रेजेस द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन राइटर्स सच एज लैक ऑफ पर्सनल स्पेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आइडेंटिफाई दी बुक। तो बुक कौन सी है? अ रूम ऑफ वन्स ओन 1929 आपको पता होगा। नेक्स्ट आप देखिए द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, कितनी बार डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस मैनी टाइम्स व्हाट यू विल। तो फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो क्वेश्चन हैं उसमें से हर एक क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा, हैज फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्शंस, डी ऑप्शन। पैसिव होता तब हैज भी ना होता, यहाँ पे है जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले टैगोर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑन स्लॉट मशीनरी ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो मुक्त धारा है, मुक्त धारा का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रियल नेम ऑफ ओ हेनरी, स्यूडोनिम हमने बताया था विलियम सिडनी पॉटर हैं, डिस्कस की थी बायोग्राफी। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड 1954 में नोबेल प्राइज है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का। सबटाइटल इसमें देखिए, सबटाइटल ऑफ बर्नार्ड शॉ का, बर्नार्ड शॉ का प्ले जो कैंडिडा है इसका है मिस्ट्री इन थ्री एक्ट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है इससे रिलेटेड है, तो वर्ड्स लाइक दी बी ये जो भी है ये राइमिंग वर्ड्स इन्होंने करेक्ट कर रखा है, ये तो राइम कर रहे हैं, गो प्रो गो ये सब राइम कर रहे हैं ये वर्ड्स। स्टाइल ऑफ दिस पोएम, तो स्टाइल ऑफ दिस पोएम क्या हो जाएगी, आर्गुमेंटेटिव हो जाएगी फ्रेंड्स, इसको आप सर्च करेंगे तो आर्गुमेंटेटिव आपको मिला होगा, मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि डेथ वी नॉट प्राउड ये जॉन डन का सोनेट नंबर 10 करके है, तो इसकी जो आप पोएम की जो स्टाइल सर्च करेंगे वो आर्गुमेंटेटिव है, क्यों है, इसमें आपको मिल जाएगा प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ, प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ करके आपको मिल जाएगी लाइन, तो ये आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ द टीएच इन द लाइन फॉर दोज हुम दाउ थिंक, ये आपको दिया है, ओवरथ्रो इज एन इंस्टेंस ऑफ एग्जाम्पल है किसका है, टीएच आपको बार बार इसमें दिया है, तो एलिट्रेशन का ही होगा, ये देख सकते हैं आप इसमें। एलिट्रेशन में दो टाइप होते हैं, जैसे एसोनेंस कंसोनेंस, तो यहाँ पे एसोनेंस देख के कंसोनेंस आपको दिया नहीं है, एलिट्रेशन पे ही आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 59 नंबर पे है, द लैंग्वेज यूज इन द पोएम इज एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है ये, तो आपको पता है जॉन डन, सॉरी ये जो पोएम हमने डिस्कस की, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी इंग्लिश का है, ये मिडिल इंग्लिश का आप इसको मानेंगे, इन्होंने करेक्ट कर रखा है इसको। तो फ्रेंड्स इसमें डाउट है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मिडिल ही हम अभी बता रहे हैं इसका आंसर अपने जो हमने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपना आंसर भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन पुअर डेथ, अब डेथ जो है पुअर, ये देखो इंसान से कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग सेज द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज वर ये योग्ड बाय वायलेंस, ये हमारे डॉक्टर जॉनसन साहब हैं, टी एस एलिट ने कह रखा है, डॉक्टर जॉनसन ने कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 हो गया हमारा, क्वेश्चन सैमुअल जॉनसन ने कह रखा है, रिकंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय जैक्स डेरिडा, ये करेक्ट हो जाएगा, जैक्स डेरिडा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सोनेट फॉर्म हैविंग थ्री क्वार्टरेंस है राइम कंप्लीट, ये तो विलियम शेक्सपियर का आपको पता है, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ और जी जी, तो शेक्सपियर एंड सोनेट शेक्सपियर। नेक्स्ट गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ स्टूडेंट पर्सन हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, तो ट्रू एंड करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ग्लोबल, ग्लोबल का जो है कावरी होता है, जो सिनोनिम है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ टॉक्सिक, टॉक्सिक का एंटोनिम जो है फ्रेंड्स इसमें से
आप अगर सर्च करेंगे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड ये कह रहा है इज़ नॉट एन एंटोनिम, एंटोनिम नहीं है कह रहा है टॉक्सिक का, तो ये सॉरी ये सारे के सारे क्या हैं, एंटोनिम है, एंटोनिम नहीं है कह रहा है, कौन सा नहीं है कह रहा है, सब एंटोनिम है। अनसेफ, देखो जो सेफ का रखा है इन्होंने, अनसेफ जो है क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है टॉक्सिक का, विषैला बोलते हैं, पॉइजनस, तो अनसेफ होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और स्लोबरियस करके आपको दे रखा है, तो ये भी इसका क्या है, ये भी इसका एंटोनिम है। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे इसमें जो स्लोबरियस है इसका मतलब होता है हेल्दी, इन बिगोरेटिंग जो वर्ड देखा है इसका मतलब होता है फोर्टिफाई या स्टेबलाइज करना, स्थापित करना किसी चीज़ को। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जेनरस या चैरिटेबल, तो दानी इस टाइप से, तो ये इनमें से कोई नहीं है इसमें, ठीक है, यानी कि सबके सब एंटोनिम है इसके। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, इसमें क्या करेगा ये तो आई पी डिपेंड होगा। Complete the idiom in the following sentence. After the prime suspect was ruled out, the police inquiry was back to square on, बोलते हैं back to square on। Friends, square on देखिए, square का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना, एक बार कोई गया उसका एक का स्क्वायर, स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ, स्क्वायर वन का मतलब होता है आप किसी काम को जिसको आप पहले कर रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, फिर उस काम पर वापस लौटना, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर टू स्क्वायर वन करके। ये क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, 68 नंबर का है, 68 पे जाते हैं। 67 हमने बताया बैक टू वेयर वन स्टार्टेड विद नो प्रोग्रेस, तो ये इसकी मीनिंग होती है। 68 कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, तो ही इज़ वेरी इल बट ही विल पुल थ्रू होगा यहाँ पे, क्योंकि पुल थ्रू का मतलब होता है रिवाइव करना, सर्वाइव करना, ठीक है, काबू पाना है किसी चीज़ पे, क्या करना, काबू पाना ही बोलेंगे। चेंज दी वॉइस, देखिए फ्रेंड्स हमने एक्टिव पैसिव जब बताई थी तो कुछ व्यूअर्स के वहाँ पे कमेंट भी आए थे कि पैसिव वॉइस नहीं है आउट ऑफ सिलेबस करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले बताया था आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि हमें पता है आयोग का पेपर कैसे होता है, क्या होता है, कि पिछली बार कब क्वेश्चन पेपर भी आप देखिए उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ सिलेबस। अब बोल सकते हैं जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आ रही है तो फॉर्मेशन में या ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है तो उसमें तो ये क्वेश्चन बनते हैं। यू कैन प्ले विद दीज कप्स क्वाइट सेफली, तो दीज कप्स कैन भी हो जाएगा, मैंने बताया था ये पैसे में कैन भी आप यूज़ करेंगे, दीज कप्स कैन भी प्लेड विद क्वाइट सेफली, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज नरेशन करके देखा है, विल यू लाइक टू हैव लंच विद मी ऑन संडे करके, ही सेड टू मी, उसने कहा, तो ही सेड टू मी आपको यहाँ पे विल यू, देखिए ये पूछ रहे ना, पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछने में क्या। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि यस नो टाइप वाला है, तो इसमें आस्क्ड बनेगा, देखो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, इस सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया था कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई वुड लाइक टू लंच विद हिम, देखिए उसने मी कहा था तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑन संडे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आप देखिए 71 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कस्टमरली टेकन एट द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनिसा, तो इटली है आपको पता है ही। तो अब ये पैराग्राफ है, इसमें आप देखिए व्हाट कैन कट ऑफ द रूट्स ऑफ नेशनल ग्रोथ, तो इन्होंने करेक्ट करके डिसोसिएटिंग द पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि तीनों को एक साथ वो करके आपको जो है आप किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ख्याल में रखते हुए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म हैड इट्स डे करके, तो ये करेक्ट आंसर है, नेशनलिज्म लीड टू इंटरनेशनलिज्म करके, तो इन्होंने लगभग करेक्ट आंसर दे रखे पैराग्राफ का। पैराग्राफ में आप भी कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। इनविटेबली का मतलब होता है एंड अवॉइडेबली करके होता है, एंड अवॉइडेबली करके हो जाएगा। अब ब्लाइंड रेफरेंस का मतलब होता है अनक्रिटिकल रिगार्ड या रिस्पेक्ट बोलते हैं, या ऑनर भी बोल सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। व्हाट डज द इडियम एन एक्स टू ग्रेंड का मतलब है सम सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, यही मतलब होता है इंटरेस्ट जिसमें क्या होता है डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ कंसील, रिवील होता है, करेक्ट आंसर है। गिव अप, गिव द पैसिव वॉइस, फिर देखिए दोबारा है, डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट आई मीन, व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट आई मीन, तो व्हाट तो आपका ऐसे ही रहेगा, व्हाट आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई मीन किस में चेंज हो जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय मी, व्हाट इज मेंट बाय मी, ये आपका करेक्ट है। देखिए डू यू अंडरस्टैंड, तो डू यू अंडरस्टैंड क्या आप समझते हैं, तो इज अंडरस्टूड बाय यू करके होता है, इज अंडरस्टूड बाय यू आपका करेक्ट डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। The proposition of the existence precedes essence is associated with, इसमें आपको options जो हैं, तो ये C option correct हो जाएगा। इसमें 20th century में जो है किसने कर रखा था, ये जॉन पॉल सार्ट ने कर रखा था, और 19th century में ये सोरेन किर्केगार्ड ने किया था।
तो पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो डी 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 बार बार आया है, देखिए अब इसको एलिट्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर, डेट भी होती है, सेलिब्रेशन, सिग्नेचर सब कुछ होता है, फिर फ्रेज नहीं होते। स्ट्राइडल्स ये एक रामानुजन की है पोएम, कब आई थी 1966 करके आप पता होगा कि रामानुजन, डिस्कस भी किया था हमने बायोग्राफी वगैरह इनकी। मैथ्यू अर्नोल्ड पोएट एंड क्रिटिक दोनों हैं, विक्टोरियन एज के हैं, आपको पता है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज, ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट हमने बताया रखा है, कितनी वीडियोज में बोला होगा रिप्रेजेंटेटिव पोएट करके। वो रोट लूसी पोएम्स, तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, फाइव पोएम्स थी 1798 टू 1801, इन्होंने फाइव पोएम्स की सीरीज थी, सीरीज ऑफ फाइव पोएम्स बोल सकते हैं लूसी पोएम्स। अब इसके अलावा लिरिकल बैलेट्स पब्लिश 1798 में है, आपको पता है 23 पोएम्स थी हमने बताया, 19 वर्ड्सवर्थ और 4 कॉलेज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेम द ऑथर हु रोट हिज एसे क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी सिंपल मैन एडमायर देम वाइज मैन यूज देम, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन का है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एम्प्लॉयज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो ये हमारी वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है मिसेस डेलावे करके तो उसमें है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको यूथ कंपटीशन या घटना चक्र किसी बुक में आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी दिया है, लेकिन ये नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका मिसेस डेलावे। एपोस्टेट का मतलब होता है हु हैज चेंज हिज फेस, तो एपोस्टेट का मतलब हम बताएं तो अगर करेक्ट इसका आंसर, तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हु समवन हु हैज टोटली अबैंडन्ड हिज रिलीजन बोल सकते हैं, या रिजेक्टेड दियर रिलीजन, अपना रिलीजन जिसने क्या कर दिया हो, अबैंडन कर दिया हो, त्याग दिया हो, तो कहीं ना कहीं चेंज हिज फेस बोल सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। टॉम जॉन्स जो है हेनरी फील्डिंग का जो है पिकारेस्क नोबल है फ्रेंड्स, यस पिकारेस्क नोबल है, और इसका जब पब्लिकेशन डेट बताएं तो 1749, इसको कॉमिक नोवेल भी बोलते हैं, ठीक है। पिकारेस्क रग ऑफ एडवेंचर ऑफ रग करके आपने सुना होगा, हमने अपने पुराने वीडियोज में बताया भी है इनके बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स मालाबार केव्स मेंशन, मालाबार केव्स किस पे मेंशन है, तो पैसेज टू इंडिया 1924 ई एम फॉस्टर का है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, तो द रूम ऑन द रूफ करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूम ऑन द रूफ 1956 करके है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर की यहाँ पे हम ये अनऑफिशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन नॉवेल, तो पार्टीशन नॉवेल्स कौन सा है, शैडो लाइंस करके है अमिताभ घोष का 1988, जिसके लिए 1989 में इनको साहित्य अकेडमी में लगा है, आपको पता होगा 1990 में उस फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था। तो 1989 हमने इसमें ने जो साहित्य अकेडमी की वो थी उसमें भी डिस्कस किया हुआ था, पार्टीशन नोवेल है। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का वो भी पार्टीशन नोवेल है। दी फर्स्ट पोलियो एडिशन, ये तो परसों ही हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने बताया था लास्ट वीडियो में। 1623 ये करेक्ट है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी द ग्रीन आईड मॉन्स्टर, तो ओथेलो करके है, करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट्स डज टैगोर प्ले चित्र है, तो इसमें वन एक्ट है फ्रेंड्स, 1913 में पब्लिश है, 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स रस्किन बॉन्ड डिड नॉट रिसीव, तो बुकर प्राइज इनको नहीं मिला, साहित्य अकेडमी 1992 में मिला था इनको, आर्ट इज स्टिल ग्रोइंग डेहरा करके, आपको पता है उसके बारे में। तो इसके अलावा इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्मश्री कब मिला था 1999 में, और 2014 में मिला था इनको पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शशि देशपांडे राइट्स हिज स्टोरीज, मराठी में लिखती हैं। दी शॉर्ट स्टोरी दी स्नो ऑफ किलिमंजारो इज रिटन बाय, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, किसने लिखा है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, 1932 शॉर्ट स्टोरी है इनकी। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सेकंड नोबेल अवार्ड, तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये इट वॉज ट्रांसलेटेड मोर देन 50 लैंग्वेजेस, हमने डिस्कस भी किया था। तो ये इनका सेकंड नोबेल था, और फर्स्ट नोबेल इनका डेवी नोबेल की बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको 1997 में मान बुकर मिला था, 1997 में ये पब्लिश भी हुआ था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमने कोशिश की अपनी तरफ से एक अनऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की, अगर कुछ क्वेश्चंस, अगर एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे कहीं उनका आंसर ऐसा लगता है तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा फिर से। नेक्स्ट पार्ट जो है हम जल्दी लेके आएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे ही हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को सर्च भी करना पड़ता है, हमें हमारा आंसर क्या है वो डिपेंड नहीं करता है, क्या आंसर एग्जैक्ट है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे हम किसी को टेंशन में नहीं डालना चाहते हैं गलत आंसर देके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली पार्ट।